हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बस एक मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिर्फ एक मिनट में मैं माइक लगा लेता हूं, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कम ऑन स्टूडेंट, फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें क्लास 11th, क्लास 11th। और आज का टॉपिक है सेट्स। आज तीसरा लेक्चर है सेट्स का। लॉकडाउन, पीएम साहब का आपने स्पीच सुना होगा, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, आपकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। यस स्टूडेंट, जल्दी से आ जाए सभी लोग, एक मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। बस इसका मेरे पास भी आ जाता है और केवल ये शायद एक या दो मिनट में मैं भी देख पाऊंगा आप लोगों के कमेंट्स। स्टूडेंट, दो क्लास हमारी हो चुकी हैं, हम पुराना रिवाइज करते हैं। सेट्स के अंदर क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स और आज का तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर के अंदर पॉइंट नंबर 4 चल रहा है, 1.4, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। और इसमें पहला पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट आपका था सेट्स की डेफिनेशन। 1.1 में हमने बात की थी सेट्स की डेफिनेशन। सेट्स क्या होता क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, तो वो कलेक्शन सेट कहलाता है। कोई भी लिस्ट हो, कोई भी कलेक्शन हो, उसको अगर वो वेल डिफाइन है तो सेट है, वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं है। कौन सा चीज़ वेल डिफाइन नहीं होती? जैसे गुड राइटर्स का सेट, अच्छे टीचर्स का कलेक्शन। अच्छे टीचर्स कौन है? आपकी लिस्ट में कुछ और नाम आएंगे, मैं अच्छे टीचर्स के नाम की लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें कुछ और नाम आएंगे। तो ये जो लिस्ट है ये वेल डिफाइन नहीं है, मेरी लिस्ट अलग आपकी लिस्ट अलग। अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो लिस्ट कैसी है? सेट नहीं है। सेट केवल वो लिस्ट होती है जो वेल डिफाइंड होती है। देखिए अभी तक नहीं मिला है मेरे को। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था स्टूडेंट? हम एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहले में सेट्स की डेफिनेशन थी और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा था सेट्स को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेट्स को हमने करली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को ऐसे लिख रखा है टेबल की फॉर्म में तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर लिखने में हमें दिक्कत आती है, लिखने में अगर हमको दिक्कत आ रही है और सेट्स को हम लिखते हैं फिर कैसे, एक प्रॉपर्टी देके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरा तरीका हमारा सेट को लिखने का है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखें 1.1 में क्या था सेट की डेफिनेशन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट एंड डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं नंबर्स को। दूसरा पॉइंट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तरीके क्या हैं? अब ये लाइव हो तो गया, लाइव 39। स्टूडेंट्स आप कमेंट्स नहीं कर रहे क्या? शायद मैं खुद दूसरे मोबाइल में देख रहा हूं, अभी तक नहीं आया है, इसमें काफी लेट से आता है। चलिए आ जाएगा, हम अपना काम जारी रखें। देखें स्टूडेंट्स, 1.1 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। 1.1 में सेट की डेफिनेशन थी हमारी, 1.2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स था। इसमें दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, पहला था हमारा रोस्टर फॉर्म में और दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तीसरा पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर हमने पांच डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़े थे। पहला था हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो।
इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को शो करने वाला सेट एम्प्टी सेट होता है। दूसरा हमारा क्या था, सिंगलटन सेट, नाम से पता लग रहा है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। नंबर थ्री, नंबर थ्री में हमारा कौन सा सेट था, नंबर थ्री में स्टूडेंट कौन सा था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो सेट फाइनाइट है, और काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट है। ये था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, इस पर हमारे 1.2 में क्वेश्चन दे रखे थे। और नंबर फोर और फाइव पर था इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है, अगर ए में जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स बी में हैं तो ए और बी इक्वल हैं। और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में हो, जितने ए में हैं उतने बी में। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। एन ए इक्वल टू अगर फाइव है, ए सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट्स, ए सेट्स में अगर माना एलिमेंट्स 1, 2, 3 केवल तीन एलिमेंट्स हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर एन ए से डिनोट होगा, एन एच को टू लिखा जाएगा 3। ए में अगर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन एच को टू 3। अब बी में देखें, बी में अगर सपोज क्या है, पी क्यू आर है, तीन नंबर्स हैं, लेकिन तीनों हमारे पहले ए वाले सेट से अलग हैं, लेकिन हैं तीन ही, तीन ए में थे तीन बी में हैं, तो दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट सेट की बात हमारी बुक में नहीं की गई है, इक्वल सेट्स तो बोला गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद आता है 1 पॉइंट, ये हमारे टाइप्स थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 1.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट्स नहीं सबसेट्स, सबसेट्स, सबसेट्स 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। मैं देख लेता हूँ कैमरे की लोकेशन, सबसेट दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। देखें सबसेट, सबसेट क्या होता है, इनको कैसे हम रिकॉल करेंगे, सबसेट आपके आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करें जरा। सबसेट क्या होगा, सबसेट जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, बड़ा आसान है, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर वो सारे काम कर सकता है जो सब इंस्पेक्टर कर सकता है, सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा काम कर सकता है, इंस्पेक्टर के पास ज़्यादा पावर है। सब इंस्पेक्टर मीन्स उसके नीचे काम करता है, उसको थोड़ी कम पावर होती है, तो वैसा ही कुछ सेंस हमें देता है यहाँ पर। ये भी ये आज आ क्यों नहीं रहा, इतनी देर से हो गया है, मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा, देखिए चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स आज मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि ये फीड मेरे पास में नहीं आ रहा है, क्लास 12th वाला आ रहा है, 11th का नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं शुरू करते हैं। तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो काम कर सकता है वो सारे के सारे इंस्पेक्टर कर सकता है, ऐसी कहानी यहाँ पर है। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर बी में हैं, और कुछ फालतू हों या ना हो, लेकिन ए वाले सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे इसको, ए सेट ए इज सेट टू बी, सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, बी सेट में प्रेजेंट हो। तो इस बात को लिखते कैसे हैं, एंड डिनोटेड बाई, कैसे डोट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए दिस इज इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये बड़ा दुखी करती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको समझा जा रहा है इसे, एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2 हैं, दो एलिमेंट्स हैं, और एक सेट हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2 तो हैं ही, साथ में 3 भी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, जो ए में है वो सारे बी में हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब इतना सा होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, कुछ फालतू हों या ना हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ए के सारे एलिमेंट्स हमें बी में देखने हैं, तो ए को, ए सेट को बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। बहुत ऐसे, और एक और ले लें हम, ये एक सेट ले लिया हमने एक्स, इसके अंदर केवल एक यही एलिमेंट्स है, 1 है, दो एक्स सेट के अंदर 1 है और ये एलिमेंट्स हमारा
ए सेट में भी, तो एक्स इज आल्सो सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है सबसेट ऑफ ए। अच्छा एक्स में जो एलिमेंट्स है वो आपका बी में भी है, तो एक्स इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। एक सेट और ले लिया वाई, जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं आपके, ये जिसमें एलिमेंट्स हैं टू थ्री। तो अब देखिए टू थ्री, टू थ्री आपके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, टू थ्री यहाँ पर है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो y इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट b। y के सारे एलिमेंट्स b में हैं, तो y भी क्या है, b का सबसेट है, लेकिन y के ये एलिमेंट्स a में नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इस बात को हम, इसको लिखेंगे y इज नॉट ए सबसेट ऑफ a, अगर एलिमेंट्स नहीं है तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ a, तो इस तरह से लिखा जाता है। सब ये बात थी हमारी सबसेट्स की, और इसी पर बेस्ड हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, देखें आपकी बुक में सबसेट्स। और हम देखें जरा और सबसेट्स की बात, जो हमारे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, वो बात बाद में करेंगे, पहले हम सबसेट्स को ही देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जिससे कि सबसेट्स की कहानी हमारी समझ में आ जाए अच्छे से कि सबसेट होता क्या है। तो कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट, आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर दे रखा है मैथमेटिकल, जो ऐसा मैथ्स हमने पढ़ा था 2 + 2 = 4 वैसा तो नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लाएंगे हमें, डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है जैसा हम अभी तक 10th तक पढ़ गए हैं, लेकिन मज़ेदार है। देखें जरा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है आपको 2, 3, 4 फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ एक सेट दे रखा है आपको ये, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये दे रखा है, और आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, यहाँ बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है, सबसेट का सिंबल और नॉट ए सबसेट का सिंबल। तो 2, 3, 4 देखो 2 आपका यहाँ है, 3 भी यहाँ पर है, 4 भी यहाँ पर है, तो ए सेट्स के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स में, तो क्या है ये दे रखा है आपकी बुक के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है फर्स्ट क्वेश्चन, देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये ए बी सी, और इसमें दे रखा है आपको बी सी डी, केवल ये दे रखा है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में नहीं है, देखो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, लेकिन ए नहीं है, चाहे इसका साइज कम हो या ज़्यादा हो, बहरहाल हमारे इज नॉट ए सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है, ये बात सबसेट्स की थी। क्या बात हो गई आज तो, ये आके नहीं दे रहा, तो ये बात सबसेट्स की थी। ऐसे क्वेश्चन और भी दे रखे हैं आपको, देखिए और भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, बुक आपके पास में है, और बुक में देखते आइए, हाँ यहाँ आ रहा है, चलिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको देख पा रहा हूँ, 51 स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स आपके अब कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ मैं, बहुत देर बाद, कई बार ये टेक्नोलॉजी गड़बड़ करती है, हम लोगों को चलाना नहीं आता है फेसबुक। हाँ ये काफ़ी स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है भाई, इसकी दिक्कत फेसबुक पर रह रही है ये, इसका हम कुछ कर नहीं पाते, मैं एक बार और से देख लेता हूँ कि ये कैसे रुका हुआ है यहाँ पर। फिफ्टी वन मुझे तो यहाँ सबसे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो भी ठीक है, ये ठीक दिखाई दे रहा है बच्चों, नीचे का ऊपर तक का सही दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ हार्दिक गुलाटी, वेरी गुड स्टूडेंट, देखा आपने ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट था। इस तरह से दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस और भी, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इफ एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके एक्स कौन है, आपके स्कूल के क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, तो उसमें हो सकते हैं कितने 40 स्टूडेंट्स हों। दूसरा दे रखा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स कौन है, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट्स है, उनका कलेक्शन जिसमें क्या आते हैं, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस सेट्स के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, करीब 2000 के आसपास, और ये जो पहला वाला सेट जिसमें केवल आपकी क्लास के स्टूडेंट आते हैं, ये तो सारे उसमें आएंगे, तो पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट दूसरे स्कूल वाले सेट्स में आ रहे हैं, तो ये भी सबसेट है। इस तरह से दे रखा है आपको। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है आपको फर्स्ट पार्ट, आपको क्या बताना है
यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, यहाँ एक सिंबल दे रखा है कि ए जे सबसेट को क्रॉस किया हुआ है और यह है बी सी ए। और हमें बताना है कि यह सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन को, बात तो वही है जो हमने भी की थी। सबसेट होता क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो ए बी का सबसेट है, अगर पहले सेट्स के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। बहुत सिंपल सी बात, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। हमने बताया यहाँ पर ए सेट में 1 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 1 2 3 है, तो ए के दो एलिमेंट्स से दोनों हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ फालतू हो या ना हो हमें मतलब नहीं उससे, बस 1 2 यहाँ पर है, 1 2 हमें यहाँ दिखाई देगा, तो हम बोल देंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कैसे बोला था ए, तो इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए छोटा सेट बी बड़ा सेट, तो ए इज ए सबसेट। सबसेट का ध्यान रखना बड़ा आसान है। अब तो इज लेस देन का सिंबल, इज लेस देन का सिंबल क्या होता है, ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, तो आप इस तरह का एक सिंबल बना सकते हैं और यही सिंबल घूमता लेस देन वाला सिंबल ही घूम, कैसे हो गया। अब देखें बी आपका क्या है, बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा टर्मोलॉजी कोई नहीं है हमारे, सोच सकते हैं कि बी का साइज बड़ा है ए से। हाँ कार्डिनल नंबर बी का ज़रूर बड़ा है, एन बी इजकल टू एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, तो लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल इज लेस देन ग्रेटर देन था इसको आप बना दें अगर ऐसे, तो इसका नोटेशन अलग है, इसको कैसे रीड करते हैं, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट है और ए सबसेट है। कुछ यहाँ देखे हैं, अब देखिए यहाँ पर देखा है ए यहाँ आ रहा है बी यहाँ आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, काट रखा है, इज नॉट ए सबसेट, तो इसका मतलब इनकी बात गलत है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। सेकंड देखें, सेकंड क्या दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवेल है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स कौन कौन से होंगे, इसमें ध्यान से देखें, ए ई इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू ये आएंगे, और ए आपका यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर है, जो एलिमेंट्स यहाँ इस सेट में दे रखे हैं वो दोनों एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो ये इसका क्या है सबसेट है, तो ठीक बात है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन आपके समझ में आता है तो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाती है। अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीडीएफ में आपने डाउनलोड कर रखी है, बोर्ड भी खराब है, मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है और गला भी खराब है, चार चार समस्याएं एक साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना है, पढ़ना है। ट्रू, वेरी गुड, वॉशिंग, ट्रू ट्रू इट इज ट्रू। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा है आपको ए, ए कोई एक सेट है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी बुक का, ए सेट, ये मजेदार इसलिए है क्योंकि सेट्स के अंदर हमारे पास में सेट्स दे रखे हैं, अभी तक सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते थे, नंबर्स होते थे मेंबर्स की फॉर्म में, लेकिन यहां पर जो मेंबर है उस सेट का वो खुद एक सेट है। कैसे देखा, देखो ये 1 2 फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 3 4 और 5, ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसमें कौन से ट्रू और फॉल्स हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हैं, तो फर्स्ट पहले इसको समझ लें क्या दिखाइए, पहले इसको समझ लें क्या दिया हुआ है, सिद्धार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, पहले ए सेट्स को देखते हैं, ए सेट्स के अंदर जरा मुझे बताएं, जरा इसके अंदर ए के अंदर मेंबर्स कितने हैं, अगर हमको लिखना हो
स्टूडेंट जरा आंसर दें, देखें कितने बच्चे देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। एन ए हमें लिखना है, तो एन ए कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट जरा बताएं, जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट्स में कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं इस ए सेट्स के अंदर, तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा अच्छे से। ये देखें जरा, मयंक, तस्वी, आभा, सिद्धार्थ, हार्दिक, तस्वी, देखें जरा आंसर दें इसका क्वेश्चन का। मैं पूछ रहा हूँ कि ए सेट क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, इस पर बेस्ड हमें 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। आपको आंसर बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं। अगर ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखें सर, सेकेंड वन ऑफ क्वेश्चन थ्री इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन थ्री का सेकेंड अभी हम देखेंगे, बच्चे आगे पहुँच गए हैं। फोर, पायल ने आंसर दिया है फोर, हार्दिक भी बोला है फोर। फोर स्टूडेंट कैसे है जरा देखें, 1, 2, 3, 4, 5। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे मैंने बोला है यहाँ पर कि इसके अंदर है 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। गलत, एकदम गलत है। इस सेट्स के अंदर 1 एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, 2 इसका मेंबर है, 5 इसका मेंबर है। ये तीन तो मेंबर हैं इसके, ये और ये आपके, ये हमारे टोटल मिला के कितने हैं, ये तीन मेंबर ये हैं। और एक दे रखा है इसके अंदर सेट, एक स्ट्रक्चर, थ्री इस सेट का एलिमेंट है लेकिन ए सेट का मेंबर नहीं है। थ्री ए सेट का मेंबर 1 है, 2 है और 5 है। हम लिखेंगे यहां पर 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 और 4 इसके मेंबर नहीं है। हाँ, ये स्ट्रक्चर मेंबर है। 3 4 बिलोंग्स टू ए। अगर ये बात आपकी समझ में आती है, सिद्धार्थ लिख रहा है 5 एलिमेंट्स हैं, सिद्धार्थ 5 नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां केवल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और एक स्ट्रक्चर जो खुद एक सेट है। ये सेट है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स की फॉर्म में है। तो यहां पर कितने मेंबर्स हैं, 4 हैं स्टूडेंट्स। एन ए की वैल्यू कितनी है, 4। दो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है, एक ये, तीन तो ये हो गए और एक और दे रखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुद दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। बहरहाल हमारे पास इसमें कितने हैं, 4 मेंबर हैं, टोटल 4। 3.4 इज ए सबसेट ऑफ ए, दो सबसेट को बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करते हैं। 1 इसका मेंबर है, 1 belongs to A, 2 belongs to A, 5 belongs to A, ये भी इसका मेंबर है, सब बिलोंग करेंगे इसको। लेकिन सबसेट का सिंबल कब आता है, सबसेट का सिंबल दो सेट्स के बीच में आता है। दो सेट अगर हमें दे रखे हैं उनके बीच में सबसेट आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक सेट बना लूँ जिसमें डाल दूँ क्या, ये 1, 2, ये एक सेट है और यहाँ लिख दूँ A, तो ये क्या आएगा, 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये एक सेट है और ये सेट A के अंदर नहीं है। हाँ, 3, 4 एक सेट है, वो ए के अंदर था, लेकिन 1, 2 एक सेट ए के अंदर नहीं है। हाँ, ये जो सेट है, छोटा सेट, ए बड़ा सेट, तो ये जो स्ट्रक्चर है इज ए सबसेट ऑफ ए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इसको। अब देखें जरा, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, 3 आपका यहाँ, 4 ये है, ये तो इसका मेंबर है, ये सबसेट नहीं है, ये इसका मेंबर है, तो ये फॉल्स है आपका, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट क्या होगा, सबसेट में अगर हम ऐसे बना दें, ये 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इस करेक्ट होगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, एक सेट्स की फॉर्म में बना दें और ऐसे, अभी करेक्ट होगा, ये तो गलत है। सेकंड देखें, अच्छा सेकंड उन्होंने दे दिया क्या, ये 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये तो हम बात ही कर रहे थे, 3, 4 इसका एक मेंबर है, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, सेम इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस, अरे 1 belongs to A, 2 belongs to A, 5 belongs to A, ऐसी ये पूरा का पूरा इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट A, तो ये जो लिखा है ये एकदम करेक्ट लिखा है। थर्ड में बना दिया उन्होंने ये जो हम बात ऊपर कर रहे थे, ये क्या होता है आपका, इज ए सबसेट ऑफ A, तो ये ठीक है। तो फोर्थ में क्या है, 1 belongs to A, तो 1 belongs to A, ये भी ठीक है। फिफ्थ,
वन इज ए, दो स्टूडेंट यहां देखें, वन इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो सबसेट वाला सिंबल है बच्चों ध्यान रखना, सबसेट वाला सिंबल दो सेट्स के बीच में आता है, और बिलोंग्स टू वाला सिंबल क्या आता है, इधर होता है एलिमेंट और इधर होता है सेट। इस बात को ढंग से समझें, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू कब आता है, बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड में होता है एलिमेंट, उस सेट का एलिमेंट जिसको बिलोंग करता है, और राइट साइड में उस सेट होता है। और सबसेट वाला सिंबल कब आता है, इधर भी एक सेट इधर भी एक सेट, दोनों तरफ सेट होते हैं तो उनके बीच में सबसेट का सिंबल आता है। तो वन, वन तो एक मेंबर है इस ए सेट का, वन इज ए सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इनफैक्ट क्या होगा, वन, हाँ ये तो ठीक हो जाएगा अब ये, और ये भी ठीक हो जाएगा, वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन बी ए को बिलोंग करता है, लेकिन वन को अगर एक सेट बना, एक ऐसा सेट बना जिसमें केवल वन ही एलिमेंट्स आता है, तो ये सेट चाहे इसका नाम बी हो या सी हो या डी हो, ये क्या होगा, ए का सबसेट होगा। नाइन तक पहुंच गए बच्चे, अच्छा मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे जल्दी से स्पीड तेज करनी है। बच्चे आगे पहुंच गए हैं, अगर हम नाइन तक पहुंच गए, क्वेश्चन कोई डाउट हो रहा हो तो पूछिए जरा फटाफट, हम आगे चलें। टेन तक पहुंच गए बच्चे, चलिए करते हैं, यहाँ पर आते हैं नाइन्थ पे देखें, नाइन्थ मैं पीछे रह गया हूँ और बच्चे आगे पहुँच गए। फाइव, फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू फाइव, अच्छा फाइव इज ए, एक बात हम भूल गए थे सबसेट्स के में, कि फाइव और इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ दो, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है, और फाइव हर सेट का सबसेट होता है। इसको तो नोट करके लिख लें, नोट नंबर वन, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और नोट नंबर टू, ए सेट, सेट ए, सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेट ए बोले या एवरी सेट, एवरी सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो होता है। क्यों, क्योंकि ए ये सेट है, इस सेट्स के सारे एलिमेंट जी में है, तो ए सेट का सबसेट होता है, और फाइव सबका सबसेट होता है। ये दो चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, अब देखें फाइव, फाइव तो सबसेट होता है, यहाँ लिखा है फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू ए तब हो पाता जब फाइव यहाँ एक सिंबल की फॉर्म में होता, इसका एक मेंबर होता, फाइव तो मेंबर नहीं है, तो ये गलत है। इनफैक्ट क्या होगा आपका, ये फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ठीक होगा। अब देखें टेंथ क्या दे रखा है आपको, टेंथ आपको ये दे रखा है फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक बात है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी। अब दे दिया उन्होंने इलेवेंथ, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत है ये, फाइव तो है इस मेंबर है ही नहीं। ये बात हमारी सच कब होती, जब फाइव एज ए, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ है ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ भी होता, तब ये बात ठीक होती, तो इस समय तो गलत है। अब आता है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, टू टू द पावर एन, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है, टू टू द पावर एन, इसको वेरीफाई कर लेते हैं अभी पता लग जाएगा। दो, फोर का बी पार्ट, एक सेट दे रखा है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, ए और बी, और हमें क्या लिखने हैं इसके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट्स, सबसेट क्या होता है, सबसे पहला सबसेट तो हमारा क्या होता है फाइव, और इसका सबसेट क्या होगा, एक ए, केवल एक ले लिया, ये इस सेट का नाम चाहे एक्स रखो या वाई रखो या जेड रखो, ये सेट क्या है, इस सेट का सबसेट है, क्योंकि इस सेट में जो मेंबर आ रहा है वो यहाँ पर है, तो ये सेट इसका सबसेट है। ऐसे ही बना सकते हैं हम बी को लेकर, हम ये भी इसका सबसेट है, ऐसी बन सकता है इट सेल्फ, ये ए बी के, इसका नाम आप चाहे कुछ भी रखें, ये चाहे ए रखें या बी रखें या सी रखें या पी रखें, ये इसका सबसेट है। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, ये चार सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स टू टू द पावर एन, टू टू द पावर एन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन ए, एन ए कितना है, टू, टू मेंबर्स हैं यहाँ पर, टू की पावर टू, तो फोर इसके सबसेट्स होंगे, और फोर सबसेट्स हमारे कौन से आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, ये चार सबसेट्स आ रहे हैं। अब देखें इसी में एक हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है पावर सेट की, इन सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं पावर सेट। 1.5 हमारा यही है, देखें जरा 1.5,
अब देखें स्टूडेंट्स, 1.4 था, 1.5 पावर सेट्स। पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट? पावर सेट देखें, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट सेट ऑफ सेट्स होता है। अगर ए कोई सेट दे रखा है, ए सेट्स के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सब सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट होता है। जैसे कि यहाँ पर ए सेट के में, ए सेट ये था, इसमें दो मेंबर्स थे, लेकिन इसके सबसेट कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट और डिनोट करते हैं पी ए से, पावर सेट ऑफ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई पी ए, और पी ए से डिनोट होता है, पी ए से डिनोट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट आपका दे रखा है 1, 2, 3, ए सेट में आपके 3 मेंबर्स हैं, तो इसके देखें नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, कितने मेंबर्स हैं? 3, 8, इसके 8 सबसेट्स होंगे। और कौन कौन से सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट में सबसे पहला सबसेट कौन सा आता है? 5। दूसरा केवल एक एलिमेंट जिसमें 1, 2 वाला है और एक 1, 3 वाला है, एक 2, 3 और एक इटसेल्फ 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आपके सबसेट्स हो गए। इन सबसेट्स का कलेक्शन, पूरा का पूरा कलेक्शन, दिस इज कॉल्ड पी ए, इसको बोलते हैं पी ए, पी एच कर दिस, ये इसका कलेक्शन हो गया पावर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आई आई टी की तैयारी के लिए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट। देखिए स्टूडेंट्स, पावर सेट पी ए, और इसका अगर हमें पावर सेट लिखना है तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, इन सभी को लिख लीजिए एक सेट्स की फॉर्म में, ए कोई सेट दे रखा है, ए सेट्स के जितने सबसेट बन सकते हैं उन सबकी लिस्ट तैयार कीजिए और उसका सेट जो होगा, ए के सबसेट्स हमारे 4 थे, चारों का हमारा जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं पावर सेट। इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, पी ए, पी पी ए, पी 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 ए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं और ये आई आई टी में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ही टॉपिक हमने आई आई टी वालों ने सेलेक्ट किए हैं जहाँ से क्वेश्चन हम देख रहे हैं पिछले 40 साल से आ रहे हैं। आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का, पी ए बताना है आपको, ए इज इक्वल टू क्या है? 5। 5 मीन्स क्या हुआ? इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब देखें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 to the power n। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो इसका सबसेट्स कितने होंगे? केवल एक ही सबसेट्स आएगा। और इन एक ही सबसेट क्या है? 5 है, और इटसेल्फ वो भी 5 है, तो केवल एक ही हुआ। और इन सब का कलेक्शन क्या बोलते हैं हम? ये पी ए, ये आपका हो गया पी ए, हो गया। आगे पूछते हैं पी पी ए बताइए, पी पी ए, पी पी ए अगर बताना है तो आप देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, टू यहाँ पर एलिमेंट्स कितना है? आप एक है, 2 to the power 1, तो 2। अगर इसके सबसेट लिखने हैं तो एक तो 5 और एक ये इटसेल्फ 5, और इन दोनों का जो कलेक्शन होगा, इन दोनों का जो कलेक्शन होगा दिस इज कॉल्ड पी पी ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार पूछा जाता है पी पी ए बताइए, पी पी ए, पी ऑफ पी ऑफ पी ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ऐसे पूछा जाता है। अब देखिए ये हमारा था हमारा 1.5, अब आता है 1.6, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.6। लेकिन उससे पहले देखें एक टर्म्स और होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या किया गया है कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स होते हैं है? तो उन सभी सेट्स को बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स, अगर ए सेट्स तो आपका ये है, तो इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा है? 5 है, ये वाला है, ये वाला है, ये नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे इस केस में? 4। तो अगर सबसेट है टोटल, अगर 4 सबसेट हैं तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 3 रह जाएंगे, एक कम।
तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या बना, 2n-1, ऐसा फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ओनली वन एलिमेंट्स PPA। इसमें देखो, अगर ये किसी को ब्लर दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही बात है, तो हमने बहुत डिटेल में अच्छे से इसके वीडियो बना रखे हैं, ऑफलाइन मोड में बनाए हैं वीडियो, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड किया है, वहाँ पर जाइएगा। आप देख रहे हैं KVS RO दिल्ली लाइव फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, और KVS RO दिल्ली लाइव करके अगर आप टाइप करेंगे गूगल में तो यूट्यूब चैनल खुलेगा, जहां हमारे पूरे दिल्ली के सभी सब्सक्राइबर हैं, करीब 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वहां पर, और दिल्ली के टॉप 25 एजुकेटर्स उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सारे पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं फेसबुक पर, आप वो इस समय सभी फेसबुक पर हैं क्योंकि यूट्यूब पर दिक्कत आई थी, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, वहां पर हमारे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं, जो जिस फॉर्म में इस समय रिकॉर्ड हो रहा है ये भी अपलोड होता है। इसके अलावा हम लोगों ने अलग से बना रखे हैं, मैंने बना रखे हैं आपके 9th के 10th के 11th के 12th के सारे ऑफलाइन मोड में अच्छे लेक्चर्स हैं, उनको जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ये प्लेलिस्ट में आप खोलेंगे तो वहाँ पर क्लास 11th की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ सारे क्लास 11th के सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये लेक्चर भी मिलेगा आपको जो दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा 1.6, आज मार्कर भी खराब, 1.6 क्या है आपका ये, इसको देखें दोबारा ढंग से, इनको सभी को रब कर लेते हैं। गीला करते ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखें स्टूडेंट्स, 1.5 था, 1.6 क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और JEE मेंस और JEE एडवांस की जो तैयारी कोचिंग्स की, बहुत सारी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, और आपने देखा है कि सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है हमारा बेसिक मैथ का, उसके अंदर इनइक्वलिटीज आती हैं, और लॉग पढ़ाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है, और साथ में हमें इंटरवल्स के बारे में बताया जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरवल, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर के सबसेट्स, मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन को आप जानते हैं, ये पूरी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इसके पार्ट कर लिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसका एक पार्ट कर लिया, उसको क्या बोले हम, इंटरवल। तो यहाँ पर आएंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस तरह की चीज़ें आएंगी, देखिए ज़रा। देखें शायद ये चल जाए, चल रहा है कुछ तो इसमें आता है, देखो ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कैसे होता है, इस तरह से a, b एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिखा होता है, a, b, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आएंगे x सारे रियल नंबर सच दैट, जो कि a और b के बीच में है, x आएंगे, और x कैसा है, a से बड़ा है x और b से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया 2 to the 5, 2 5 का मतलब क्या हुआ, वो सारे रियल नंबर्स का सेट जो 2 से ज़्यादा हैं और 5 से छोटे हैं, 2 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, उसको कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर, देखो जरा यहाँ लिखेंगे तो इस तरह से कि x belongs to R, x इसके अंदर क्या आएगा, x आएगा जो कि रियल नंबर है, सच दैट 2 से बड़े हैं x और 5 से छोटे हैं, इस तरह से नंबर लाइन पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप, ये 2 to 5, ये दिखा दिया 2 और ये 5, और 2 के ऊपर एक सर्कल बनाइए, 5 के ऊपर सर्कल बनाइए, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है, हमें 2 to 5 दिखाना है, तो 2 से बड़े ये जो पॉइंट्स हैं, ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब का कलेक्शन है आपका, ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है, सेट्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं,
इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो 2 और 5 के बीच में है, जिसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, 2 पर ओपन है, 5 पर ओपन है। ओपन का मतलब इनको छोड़ देंगे, फिर ऐसे छोड़ देंगे, और दिखा दिया हमने 2 टू 5। अब आता है ओपन एज ए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल कैसा होगा आपका, ये ए बी, उसमें क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, ये स्मॉल ब्रैकेट थे, यहाँ बिग ब्रैकेट आपके स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर ए और बी एंड पॉइंट्स पर क्लोज्ड है। इसमें इसमें फ़र्क इतना है, ये भी आपको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर भी ए और बी के बीच के एलिमेंट्स आएंगे, मेंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, पर इनमें इंक्लूड क्या है, एंड पॉइंट्स ए एंड बी, एंड पॉइंट जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं दोनों के और छोर वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ये हुआ। और नंबर लाइन पर अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर ये सपोज ए है और ये बी है, तो ए और बी इसके बीच के सारे पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, कैसे दिखाते हैं आप, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो हमने यहाँ भी किया था, यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट्स भी आपका शामिल है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, एंड पॉइंट्स भी अगर आपका शामिल है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको मान लीजिए 2 5, सपोज इसको 2 कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए 5, तो वही आपका, तो इंटरवल कौन सा हो गया आपका, ये जो इंटरवल हुआ वो हुआ आपका ये 2 टू 5। इंटरवल की खास बात है, इंटरवल हमारा क्या होगा, इसमें ए इंटरवल्स के लिए सबसे पहली बात हमारी क्या है, ये दे रखा आपको इंटरवल, और इसमें ए इज लेस देन बी होगा। ऑर्डर्ड पेयर इंटरवल में ये फ़र्क है, ऑर्डर्ड पेयर हमारा 1, 2 भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, और 2, 1 भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, 2, 1, लेकिन 2, 1 इंटरवल नहीं हो सकता, जिसमें ए हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स के पार्ट हैं। अब देखें क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं आपको, इसी में तो आता है आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, दूसरी तरफ से ओपन पहली तरफ से क्लोज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये -3 0। -3 0 का मतलब क्या हुआ, कैसे लिखा जाएगा, ये ओपन इंटरवल है, तो x बिलोंग्स टू r सच दैट -3 और 0 के बीच का, तो -3 से बड़ा है x और छोटा है 0 से। और अगर नंबर लाइन पर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पर, यहाँ दिखा दिया आपने -3, यहाँ दिखा दिया 0, -3 पर भी ओपन है 0 पर भी ओपन है, तो यहाँ पर एक सर्कल ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक का दिखा देंगे। 2 सेकेंड क्या देखें आपको, 6 और 12 सेकेंड नहीं थर्ड देखते हैं, 6 और 12 स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है, इसको ध्यान से समझाइए, 12 पर ये क्लोज है, क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 12 पर बिग स्क्वायर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर स्मॉल वाला ब्रैकेट का हमारा ये ओपन है, 6 पर ओपन है, 6 पर खुला हुआ है, 6 इसमें शामिल नहीं है, 12 शामिल है, 6 से लेकर 12 तक के सारे नंबर आएंगे इसके अंदर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़ा है x और छोटा है और इक्वल है 12 के, तो x कैसा है, 12 से छोटा है, 12 के इक्वल भी है, लेकिन 6 से बड़ा है। नंबर लाइन पर अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप, ये 6 और ये 12, लेकिन यहाँ पर दिखा दिया, ये दिखा दिया, इसमें क्या है आपका, 12 पर क्लोज है, 12 पर क्लोज है, तो 12 इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर, ये इंक्लूड नहीं है, तो आप ऐसे दिखाएंगे इसको, इसको फिल कर देंगे। ऐसे देखा था कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये आपका था 7 और 6, 6 में भी से ऑलरेडी था, 6 में क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और ये -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6, ये दिया हुआ है। तो देखो है क्या, ये -4 से 6 के बीच में है, अगर नंबर लाइन पर देखें तो कौन से रियल नंबर आएंगे जो -4 से बड़े, ये रहा आपका -4 और ये रहा 6, एक्स 6 भी है तो इसको सर्कल कर दीजिए, डार्क कर दीजिए इसको, लेकिन एक्स 4 नहीं है, -4 से बड़ा है, ये आपका आ गया। इसको दिखाएंगे कैसे आप इंटरवल फॉर्म में, -4 to 6 और 6 पर क्लोज्ड, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ये था आपका इंटरवल्स। हाँ दिखाई दे रहा है सारा, अब देखें स्टूडेंट्स, आगे चलें, अब 1.7 आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, अब ये 1.7 स्टूडेंट्स 5 मिनट और हैं हमारे क्लास में, 5 मिनट खत्म करते हैं इसको।
देखा जरा, यूनिवर्सल 1.7, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है स्टूडेंट्स, कोई खास रेफरेंस में हमें सेट डिफाइन किया जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब खास रेफरेंस का मतलब हुआ, अगर कुछ सेट्स दे रखे हैं और उन सभी सेट्स का जो सुपर सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर कुछ ए बी सी तीन या चार या पांच सेट दे रखे हैं और एक ऐसा सेट हम निकाल के लाएं जो इन ए बी सी चार पांच सेट का क्या हो, सुपर सेट हो, और ये चार पांच सेट उस सब के क्या हो, उस बड़े सेट के सब सेट हो। जैसे कि अगर ए दिया हुआ है आपको 1, 3, 5, 7, बी दिया हुआ है 2, 4, 6, सी दिया हुआ है 6, 8, 10, अगर ऐसे दे रखा है, ये तीन सेट्स दे रखे हैं, तो ये तीनों के तीनों सबसेट हों, एक ऐसा सेट निकालना है जिसके लिए तीनों के तीनों सबसेट हों, उस सुपर सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो कैसे होगा वो, ऐसे यू बनाते हैं इस तरह से यूनिवर्सल सेट को नोट करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा आपका, 1 भी आएगा 2 भी 3 भी 4 भी 5, कम से कम ये जितने एलिमेंट्स यहाँ दिखाए वो तो आएंगे आएंगे, और उसे फालतू भी आ सकते हैं, कम से कम इतने तो आने चाहिए, तभी ये हमारे ये सब सबसेट कहलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसको ये क्या है, ए बी सी के रेफरेंस में ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ऐसे अगर माना ए बी सी में क्या होता है आपका, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो कलेक्शन है वो क्या यूनिवर्सल सेट होता है उस रेफरेंस में। इस रेफरेंस में तो हमारा ये सेट है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, सारे होते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, सी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल क्या है, इन सबका सुपरसेट है। अब इस पर भी एक क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, एक सेट इसमें राइट ट्रायंगल्स आते हैं सारे के सारे। दूसरा दे रखा है सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो इन दोनों के रेफरेंस में हमें बताना है कि आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, और सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। हमारा कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, सेट क्या होगा आपका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का जो सेट, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये पहला वाला सेट भी राइट एंगल ट्रायंगल का सेट जो होगा वो भी सबसेट होगा और दूसरा वाला भी सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 में देखा ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको दे रखा है ए, बी दिया हुआ है 2, 4, 6 और सी गिवन है आपको 0, 2, 4, 6, 8। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल, इन सब के रेफरेंस में यूनिवर्सल कौन सा होगा। तो यूनिवर्सल आपका 0 होना ही चाहिए हमारा, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 8 दे रखा है तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ 8 नहीं है, सेकंड 5 हो नहीं सकता, थर्ड में आपके सारे आ रहे हैं और 8, 9 भी है कि कहीं क्या, हाँ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड यूनिवर्सल करेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्यों, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट, सारे सबसेट्स हैं। इसके अलावा बाकी जो दे रखे हैं वो सुपर सेट नहीं है, ये क्या है, सुपर सेट है, इन सब का सुपर सेट है। इसमें ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जरा, क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज टोटल हमने पढ़े हैं 1.7 तक हम पहुंचे, 1.7 स्टूडेंट देखें हम फटाफट अभी 5-2 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं क्लास को, टाइम हमारा हो गया है 45 मिनट्स, हमको मिलते हैं इस पर इस प्लेटफॉर्म पर आने के कि 2 से लेकर 2:45 तक 45 मिनट्स में क्लास ख़त्म करनी होती है। तो यहाँ देखें एक बार रिवाइज कर रहे हैं पूरा 2 मिनट के अंदर 1.1 हमारा क्या था, सेट्स की डेफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट एंड डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं सेट्स में। दो बातें ध्यान रखते हैं सेट्स में, ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते और रिपीट करते नहीं हैं। दूसरा हमारा क्या था, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके, 1.2 में हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो दो तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या था हमारा,
रोस्टर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा तरीका हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स के हमारे 5 टाइप्स बताए गए थे आपको। पहला था एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो उसको बोलते हैं नल सेट। दूसरा था हमारा सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। तीसरा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट कर सकते हैं फाइनाइट हैं तो फाइनाइट सेट, काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट। चौथा था इक्वल सेट, और पांचवा था इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वही एग्जैक्टली बी में हो तो ए और बी। दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो तो इक्विवेलेंट है। हाँ, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते ही हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होते। ये 1.4 हमने आज शुरू किया था सबसेट्स। एक सेट ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना था, 2 की पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1। 1.5 में हमने क्या पढ़ा था, 1.5 ध्यान करो, 1.5 क्या था आपका, 1.5 आपका था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ए सेट्स के जितने सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट। पी ए से नोट करते हैं सबसेट्स ऑफ आर। सबसेट्स ऑफ आर, आर को हमने छोटे छोटे पार्ट किए थे, उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखा था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। 1.7 हमारा था यूनिवर्सल सेट्स। इन छोटे छोटे सेट्स के रेफरेंस में बड़े से बड़े सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये 1.7 तक हमारे यहाँ सारा था। एक बार फिर से गो थ्रू हुई है सारा का सारा, तीनों एक्सरसाइज को कीजिएगा। जहाँ हमने बताया है इसी चैनल पे आप जाइएगा, चैनल पे, इसी चैनल के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, 1 होगा या KVSR दिल्ली लाइव ऐसे करके दे रखा है, और उस यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसकी प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको जो हमने यहाँ पढ़ाया है अभी, तीन लेक्चर हुए हैं, तीनों लेक्चर्स के वीडियो फॉर्म में, ऑफलाइन मोड में है, काफ़ी अच्छे वीडियो बने हैं। वहाँ पर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि ब्लर हो रहा है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, और ये सारी शिकायत नहीं मिलेंगी। बहुत नीट एंड क्लीन वीडियो बने हुए हैं, अच्छे से उनको देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। समझ में आके क्वेश्चन को करिएगा, करके कमेंट्स कीजिएगा। वहाँ पर वीडियो पर आप सीधा डायरेक्ट जाएंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसी पर कमेंट्स करेंगे, मुझ तक पहुँचेंगे, उसके आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ तक कीजिएगा, इसके बाद हम अगला शुरू करेंगे, 1.4 ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी तक देखने के लिए सभी का थैंक यू। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।